बताओ तो सही। तो उस समय लोगों ने हाथों से इशारा किया कि सीधे चले जाओ, छोटी सी कुटिया आपको मिलेगी, उसका दरवाजा खटखटा लेना। अब समझने का प्रयास करना, बाहर दयानंद नाम का सन्यासी खड़ा हुआ है, कुटिया के कपाट दरवाजे बंद हैं। बाहर से दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन? ये आवाज आई अंदर से, आवाज आई कौन? जैसे ही अंदर से आवाज आई कि कौन, बाहर खड़े हुए सन्यासी ने अंदर खड़े हुए सन्यासी को उत्तर दिया, गुरुदेव यदि मैं ये जान लेता कि मैं कौन हूं, शायद मुझे आपके पास में आने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही ये कान उस अंधे गुरु दंडी बिरजानंद के कानों में पड़े तो मानो मृत प्राय शरीर के अंदर प्राणों का संचार हो गया, मानो पूरे शरीर के अंदर बिजली सी दौड़ गई और वहां मन के अंदर एक तूफान सा उठा। स्वामी बिरजानंद जी महाराज के दिमाग में बात आई कि आवाज अपरिचित सी लगती है, आवाज अपरिचित है लेकिन अपरिचित होते हुए भी चिर परिचित सी दिखाई देती है। और उस समय दंडी स्वामी बिरजानंद जी महाराज ने मानो अपनी कुटिया के कपाट को, दरवाजे को नहीं खोला था, अपितु इस संसार के सौभाग्य के दरवाजे को खोल दिया था और तैयार कर दिया था एक दयानंद नाम का सन्यासी, जिसने पाखंड खंडनी गाड़ करके ये कह दिया था कि जरा दिखाओ वेद के अंदर कहां है, महिलाओं को वेद मंत्र बोलने पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है, दिखाओ तो जरा। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज एक अकेला दयानंद एक और था और ये पूरा विश्व एक और था, पूरे विश्व से टक्कर लेने के लिए खड़ा हुआ था दयानंद। हमारे यमुना पार उस समय जिला मेरठ हुआ करता था, वहां के एक बहुत क्रांतिकारी कवि हैं जिनका नाम था चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क, आपने सुना होगा। वो कहते हैं कि यदि दयानंद नहीं आता तो क्या होता, तो लोगों ने पूछा क्या होता, वो कहते हैं कि हिंदू कहने वालों आज आपके सब ठाट जाते। कल स्वामी जी महाराज बता रहे थे ये गाड़ियां, ये बंगले, ये कोठियां हमने बड़ी बड़ी खड़ी कर ली, करोड़ों रुपए इस पर लगा दिए हैं, पर याद रखो क्या ये गाड़ियां, ये कोठियां, ये बंगले, ये इतना अथाह संपत्ति क्या आपके काम आएगा या आपके संतानों के काम आएगा? उन्होंने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया, छटनी हो गई है, ये मेरा है, वो मेरा, ये खेत मेरा, ये दुकान मेरी, वो मकान मेरा। निवेदन कर रहा था यदि आर्य समाज नहीं होता, यदि दयानंद नहीं होता तो क्या होता। कवि कहता है कि हिंदू कहने वालों आज आपके सब ठाट जाते और रोड रवे हीर गुज्जर राजपूत जाट जाते। जातियों में बटे हुए ना सब हम लोग, तो हमारे जातियों के भगवान भी अलग है। कल स्वामी जी महाराज ने बताया हमारी जितनी जातियां, किसी कवि ने कहा कि जू केले के पात पात में, पात पात में पात, जू गधे की लात लात में, लात लात में लात, जू गप्पी की बात बात में, बात बात में बात, और ऐसे हिंदू की जात जात में, जात जात में, इतनी जातियों में हम लोग बटे हुए। और कमाल की बात ये हो गई साहब, जैसे हम लोग हैं ऐसे ही हमने अपने देवताओं का निर्माण कर लिया। हमारे यहाँ इधर हरियाणा पंजाब गुजरात आदि में लोगों की आप शक्ल देखना तो लगभग गेहूं रंग के लोग मिलेंगे, तो हमारे भगवान भी कैसे ही बना लिए जी, हमने गेहूं बना लिया। लेकिन आप जब दक्षिण में जाओगे, दक्षिण में साउथ में जाओगे, वहां के भगवानों को आप देखना, जैसे वहां के काले काले लोग है वैसे उनके भगवान है, काले काले भगवान है। जगन्नाथपुरी को आप देख लो और मंदिर आप देख लो, हमने अपनी सुविधा के अनुसार अपने देवताओं का निर्माण कर लिया, हमने अपनी सुविधाओं के अनुसार उनको भोजन दिया। यदि हमें शराब पीने की आदत पड़ गई तो हमने कहकर के नाम ले दिया कि हमारी काली शराब पीती है तो हम भी शराब पियेंगे। अपने स्वार्थ के अंदर हमने अपने देवताओं को भी खड़ा कर लिया। यदि हमें मुर्गे खाने की, मांस खाने की इच्छा जागृत होती है तो हमने अपने देवता का नाम ले दिया, जी भैरव मांस खाता है हम भी खाएंगे। हमने सुविधा के अनुसार अपने देवताओं को बदल लिया। मैं निवेदन कर रहा था, कवि कहता है कि हिंदू कहने वालों आज आपके सब ठाट जाते, रोड रवे हीर गुज्जर राजपूत जाट जाते, सुनारों का सोना जाता खातियों के काट जाते, लोहारों का लोहा जाता मल्हाओं के घाट जाते।
और लाला जी पंडित जी का पत्र आ जाता लाला जी के, बांट जाते ईसाई मुसलमान तुमको अच्छी तरह चाट जाते। अगर उस दिन विष देने से जगन्नाथ नाट जाते तो आज फिर अमेरिका के अंदर भारत के सम्राट जाते। अपनी लेकर बारात हमारी कौन पूछता बात, अगर नहीं टंकारे आती वो फागुन की शिवरात। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की बड़ी दया बड़ी कृपा आप लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा है। अरे स्त्री जाति का महिला जाति का वकील बन करके, उस समय आप इतिहास उठा करके देखो, मानो कोई महिला महात्मा कबीर के पास में गई और पूछा कि आपकी नजरों में नारी का महत्व क्या है, तो मानो महात्मा कबीर ने कह दिया नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। एक और व्यक्ति के पास में गई, पैगंबर साहब के पास में गई, आपकी नजरों में नारी का महत्व क्या है, मानो पैगंबर साहब ने ये कह दिया कि महिला तो केवल खेती है, उनके अंदर जितना बीज डालोगे उतनी फसल पैदा हो जाएगी। ईसा मसीह के पास में गई, जो अपने आप को तथा कथित ग्रेजुएट पढ़े लिखे कहते हैं, उनके पास में गई और जाकर के कहती है कि आपकी नजरों में नारी का महत्व क्या है, उन्होंने कह दिया कि महिला के अंदर तो आत्मा ही नहीं होती, महिलाओं के अंदर आत्मा ही नहीं होती। एक और तुलसीदास जो राम को अपना बड़ा उपासक मानते थे, उनके पास में गई और जाकर के पूछा कि आपकी नजरों में नारी का महत्व क्या है, तुलसीदास कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और जब अंत में मेरे गुरु दयानंद के पास में गई और कहा कि स्वामी जी महाराज चारों ओर से निराश उदास हताश होकर के आई हूँ, आपकी नजरों में नारी का महत्व क्या है, बस एक आस आपसे बाकी है, तो उस समय महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि सुनो, यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां तो देवता निवास। मैं निवेदन कर रहा था, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा, स्त्री तो साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप होती है। इसलिए आज यदि स्थिति को देखा जाए, आज यदि हालात को देखा जाए तो क्या हो गया है, आज माताओं के हाथ में सबसे बड़ी बागडोर है। ओलंपिक में यदि आप देखोगे तो माताएं बहनें सबसे ज्यादा मेडल लेकर के आ रही है, पढ़ाई में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा माताएं बहनें सबसे आगे निकल रही है। इसलिए कवि ने लिखा, क्या लिखा, कि समय आ गया माताओं अब जागो देश जगाओ। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश का जब दूसरा समुल्लास लिखा तो सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण का वाक्य लिखा, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा, सबसे पहला गुरु यदि बच्चे का कोई होती है तो वो कौन होती है जी, माँ होती है। पर आजकल तो माँ को व्हाट्सएप फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं, सबसे बड़ी समस्या। पहले पांच क्लेश हुआ करते थे जी, पांच क्लेश, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और आज कितने हो गए, आज 10 हो गए, पांच और जोड़ लो, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर यूट्यूब इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम, 10 क्लेश हो गए। इसलिए लिखा कवि ने कि समय आ गया माताओं अब जागो देश जगाओ, आज लाज भारत माता की, आज लाज भारत माता की खतरे में है बचाओ, समय आ गया माताओं अब जागो देश जगाओ, समय आ गया माताओं अब जागो देश। कैसे जगाओ, जब जब
बड़ा काम क्या किया? पत्नी बनकर पति संभाले, बहने बनकर के भाई, बहने बनकर के भाई, हाँ बहने बनकर के भाई, माता बनकर पुत्र संभाले, ये है तुम में चतुराई, ये है तुम में चतुराई, हाँ ये है तुम में चतुराई, दुर्गा लक्ष्मी महामाया, अब सब की सब बन जाओ, समय आ गया माताओं, अब जागो देश जगाओ, समय आ गया माताओं, अब जागो देश जगाओ, आज लाज भारत माता की, आज लाज भारत माता की, खतरे में बचाओ, समय आ गया माताओं, अब जागो, समय आ गया माताओं, अब जागो देश जगाओ, चारों ओर सरहद पर बैठे खतरनाक शत्रु छलिया, खतरनाक शत्रु छलिया, खतरनाक शत्रु छलिया, है अफसोस देश के रक्षक मना रहे हैं रंग रलिया, मना रहे हैं लिया, मना रहे हैं रंग रलिया, शोभा राम सजग प्रहरी तुम, शोभा राम सजग प्रहरी तुम, सरहद पर डट जाओ, समय आ गया माताओं, अब जागो देश जगाओ, समय आ गया माताओं, अब जागो देश जगाओ, आज लाज भारत माता की, आज लाज भारत माता की, खतरे में है बचाओ, समय आ गया माताओं, अब जागो देश जगाओ, समय आ गया माताओं, अब जागो देश जगाओ, अब जागो देश जगाओ, अब जागो देश जगाओ। महर्षि दयानंद जी महाराज ने माता को सबसे पहला गुरु यूं ही नहीं कहा, सोच विचार करके कहा। मां चाहे तो बच्चे को कायर बना सकती है, मां चाहे तो बच्चे को बुजदिल बना सकती है, और मां चाहे तो बच्चे को वीर बहादुर योद्धा भी बना सकती है। आप राजस्थान के अंदर जाओगे, जहां जहां महाराणा प्रताप का स्टैचू आपको मिलेगा, वहां वहां उसके नीचे लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा? माई एहड़ा पूत जन जेहड़ा महाराणा प्रताप। ओ मां, यदि तुझे बच्चा पैदा करना है तो ऐसा बालक पैदा कर जैसा महाराणा प्रताप। कायर कमजोरों के लिए परमात्मा ने दुनिया नहीं बनाई। वीर भोग क्या वसुंधरा, इस वसुंधरा का उपभोग वीर बहादुर लोग किया करते हैं। चारपाई पर गलकर सड़कर मरने का नाम जिंदगी नहीं है, बल्कि जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इसलिए मां के ऊपर सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो संतान का निर्माण कैसे करे। मैं निवेदन कर रहा था, यदि महर्षि दयानंद जी महाराज नहीं होते तो आपको यहां पर बैठ करके ये सत्संग, ये प्रवचन सुनने का अधिकार नहीं मिलता। और अभी पिछले दिनों एक व्यक्ति का बयान आया, एक कथावाचक है, वो कहता है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार ही नहीं है। अनिरुद्ध महाराज, अरे यहां ये आर्य समाज का मंच है, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, राहुल गांधी के पास में पिछले दिनों एक बड़ी अफवाह फैली थी कि एक मशीन ऐसी लगाऊंगा जिसमें इधर से आलू डलेगा और उधर से क्या निकलेगा, सोना निकलेगा। उसके पास वो मशीन है कि नहीं है मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन याद रखो आर्य समाज के पास में, दयानंद के पास में एक ऐसी मशीन है, यदि उस मशीन में शूद्र को डालोगे तो ब्राह्मण बना करके देगी आर्य समाज रूपी मशीन। वो गुरुकुल रूपी मशीन है हमारे पास में, हम कह सकते हैं इस बात को कि हम शूद्र को ब्राह्मण बनाते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज नहीं होते तो आप लोगों को यहां बैठ करके वेद की बातों को सुनने का अधिकार नहीं मिलता।